क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो शेडेड रीजन है, जो ये शेडेड रीजन है, हमने इसके एरिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पाई की वैल्यू हमने लेना है 3.14, ये भी हमने याद रखना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो ये हमको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना, ये जो रेक्टेंगल हमको दिखाई दे रहा है इसका लेंथ एंड ब्रेथ तो हमारे पास में है, हम इसके डायगनल को निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए डी सी, ये लेते हैं, ये राइट ट्राइंगल लेते हैं और इसमें यहाँ पर एंगल जो डी है वो 90 डिग्री का है ना। इन राइट ट्राइंगल ए डी सी, एंगल डी इसमें कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर होगा। अब देखो ए डी का लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, सी डी का लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, फिर बीच में प्लस है, सी डी का स्क्वायर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में एसी का स्क्वायर आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एसी हमारे पास में कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, है ना, हमने स्क्वायर रूट कर लिया ना। तो एसी हमारे पास में आ गया 13 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर एसी। जब भी हम किसी, याद रखो, जब भी हम किसी सर्कल में एक रेक्टेंगल ड्रॉन करते हैं, जब भी किसी सर्कल में एक रेक्टेंगल ड्रॉन करते हैं उसका जो डायगनल होता है, रेक्टेंगल का जो डायगनल होता है वो सर्कल का डायमीटर होता है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर डायमीटर एसी का लेंथ आ गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 13/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, रेडियस हो जाएगा 13/2 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, ठीक है, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना लेना है हमने, 3.14 लेना है हमने पाई को, और आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 13/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 3.14 तो ये हमारे पास में है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 अपॉन में 2 है तो हो जाएगा 4 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 3.14 इंटू 169 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2, 2 से जब हम 3.14 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1.57। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 132.665 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास में आ गया 132.665 सेंटीमीटर स्क्वायर, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम निकालेंगे इस रेक्टेंगल के एरिया को, ठीक है, इस रेक्टेंगल के एरिया को अब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी। लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा, है ना। तो हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास में है 132.665 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास में है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो आएगा 72.665 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अप्रॉक्स मानेंगे ना, फिर यहाँ पर देखो, देखो 72.665 अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो कैसे लिखूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 5 से बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे इसको, इसको हम लिख लेंगे 73 अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो आंसर अब जो इसमें मैच करेगा, देखो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है इसमें 73 गिवन है, तो हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली ये करेक्ट होगा। तो जो हमारे आंसर के सबसे क्लोज होगा वो हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि वो 72.665 के काफ़ी क्लोज है ना। तो हम लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट,